एवरीवन, जस्ट गिव मी सेकंड। चलिए इज वॉइस क्लियर। चल एलजेब्रा कर रहे हैं गाइस। एलजेब्रा अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एलजेब्रा की सीरीज शुरू किया मैंने, तो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इफ वी टॉक अबाउट कैट, अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन विल बी अपीयर्ड बेस्ड ऑन एलजेब्रा। तो आफ्टर अर्थमेटिक एलजेब्रा हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेलो सुधांशु, हेलो सौरभ, गुड आफ्टरनून एवरीबडी, वेलकम इन द क्लास गाइस। दोज हु आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वेलकम इन द क्लास। We've just started the topic. Topic is quadratic equation. It's a part of algebra. After arithmetic, if the topic is important, that is algebra. तो इसको ढंग से कर लो। First class है तो हमने बिल्कुल शुरू से शुरू किया है। हेलो शुभम, तो I'm starting with quadratic. करें शुरू, आ गए सब लोग। हेलो अन, हेलो काली, सम मोर पीपल आर ज्वाइनिंग, सो लेट्स स्टार्ट इन 1 मिनट। गुड आफ्टरनून काली प्रसाद, धनंजय, हेलो हांची, या सेम ईयर, आई ऑल्सो मिस यू गाइस। चलिए सो लेट्स स्टार्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ 2 डिग्री इक्वेशन। बढ़िया मांची, तो अब रेगुलर है क्लासेस मेरी, एवरी डे इट इज 3 PM गाइस, 3 to 4 एवरी डे। तो दोज हु आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज अ न्यू टॉपिक, सो आई थिंक maximum number of people are there, but they need to be regular, that's what I'm saying. कुछ लोग आते हैं लेकिन वो regular नहीं होते हैं, regularity बहुत जरूरी है। तो एवरी डे इज 3 to 4 PM guys, तो बी रेगुलर। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। So everybody knows how many roots? 2 roots. Two roots hai, alpha and beta, let's say. And again I'm starting with very basic. Sabko aana chahiye. To agar aap se bhi bolta hai, what is the sum of the root? Sum of the root is minus b by a. And what is product of the roots? Product of the root is c by a. Hello everyone, welcome in the class. We have just started, so try to follow the lectures. Sum of the root minus b by a, product of the root is c by a. And normally we try to find out the roots with the help of factorization method. So, agar main aapse bolta hu iske roots kya hai, you know how to find the root. But I want the answer quickly. Who will tell me the roots of this equation? What are the roots? देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं पहली बार में। What are the roots of this equation? -13 minus 4.
सिंपल सा क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आई टेल यू हाउ टू फाइंड इट क्विकली. एक बार मेरे को आंसर दो, व्हाट आर द रूट्स? 6.5 एंड माइनस 2, 13 एंड माइनस 4, 13 एंड माइनस 4, 13 एंड माइनस 4, माइनस 13 एंड 4, 13 बाई 2 एंड माइनस 2, 13 एंड माइनस 4, 13 एंड माइनस 4. This is not done, guys. This is not done. This is a wrong answer. 13 and 2, ये भी गलत है. Minus 13 and 4 भी गलत है. Those who are telling me the answer 13 and minus 4, that is a wrong answer. How to find it the roots of the equation quickly? अब हम जैसे बचपन में करते थे वैसे नहीं करेंगे. हाँ, देखो जल्दी से देखो. What do you need to do? इन दोनों को multiply कर लेना. What is the product? इन दोनों का product है minus 52. तरीका सीख लो एक बार, बहुत जल्दी से करोगे. माइनस 52 को ऐसे फैक्टराइज करो ताकि माइनस 9 आ जाए आपके पास. माइनस 52 को ऐसे फैक्टराइज करो ताकि माइनस 9 आ जाए. जल्दी से बता सकते हो मेरे को? माइनस 13 एंड 4 लिख सकते हो? माइनस 52 को ऐसे फैक्टराइज करना है ताकि माइनस 9 आ जाए. यहां तक ठीक है? और आपने इतना ही आंसर बता दिया, ये आंसर नहीं है. इसके बाद क्या करना है वो देखते हैं. 2 से डिवाइड करो, ये जो कोफिशिएंट है इसे डिवाइड करो. 2 से डिवाइड करो और साइन भी चेंज करो, साइन चेंज करो. फाइनली ये रूट है आपके, दैट इज द आंसर. एवरीबॉडी जैसा बचपन में लिख लिख के करते थे वो नहीं करना है. अब 2x कॉमन ले लिया, वो सब कुछ नहीं करना है. रूट आ चुके हैं आपके पास. 13 बाय 2 एंड माइनस 2. रिया भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं. और देखो दोबारा देखो, जिनको नहीं आया जल्दी से समझो, ये काफी काम आने वाले हैं आपके. 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25 लेट्स से. एवरीबडी जिनको नहीं आया दोबारा देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट इज माइनस 50. स्टेप देखना ध्यान से, माइनस 50 को ऐसे फैक्टराइज करो ताकि माइनस 5 आए. जल्दी से बताओ, माइनस 50 को ऐसे फैक्टराइज करो ताकि माइनस 5 आए. लिख सकते हो माइनस 10 एंड 5. माइनस 50 को ऐसे फैक्टराइज करना है ताकि माइनस 5 आए. माइनस 10 और 5 यहां तक ठीक है सबको? स्टेप देखते जाओ, इस वाले कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो. इस वाले कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो माइनस 5 एंड 2.5 आ गया. और फाइनली साइन भी चेंज करना, तो आपके जो फाइनल रूट होंगे वो ये होंगे. दैट इज द फाइनल रूट, 5 एंड माइनस 2.5. अब बताओ किसको क्लियर नहीं है अभी भी? इफ एनी वन हैज ए प्रॉब्लम आस्क मी क्विकली. ये बहुत तेज होना चाहिए, इससे तेज आप रूट नहीं निकाल सकते हो. Anyone has any problem? If it is clear, give me a thumbs up. If it is not, ask me quickly. Sign इसलिए change करना है तुषार, क्योंकि जब root लिखते हो ना तो ऐसे लिखते हो basically. हम जब factorize करके लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं. तो root अभी हमने जो लिखा है यहाँ पे वो ये वाले number लिखे हैं, plus 6 और minus 5. हमें तो finally तो minus 6 और 5 लिखने पड़ेंगे ना. Getting it? तो इतना करने के बाद sign भी change करना. स्नेहा क्लियर है? कितना भी बड़ा तरंदी वो फैक्टराइज ही करना पड़ेगा, वो फैक्टराइज करना पड़ेगा अगर बड़ा नंबर आ जाता है. साइड में आप फैक्टराइज करके लिख सकते हो. जैसे और करते हैं जल्दी जल्दी, 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0. व्हाट आर द रूट्स? एवरीबडी शुड गेट इट नाउ. 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25. जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं मेथड सीख लो एक बार, यू विल बी एबल टू डू वेरी फास्ट. 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0. व्हाट आर द रूट्स? जो लोग रेगुलर हैं आई थिंक दे आर गेटिंग इट वेरी क्विकली. 5 एंड 5 बाय 3, 5 एंड 1.6, 5 एंड 5 बाय 3, बहुत बढ़िया. नाउ यू आर गेटिंग इट 15 बाय 3 एंड 5 बाय 3, 5 एंड 5 बाई 3, 5 एंड माइनस 1.6 सेम है, 1.6 माइनस होगा यहाँ पे. किसका माइनस आ रहा है? माइनस क्यों आ रहा है? 5 एंड 5 बाई 3, 5 सब कर दो जल्दी से. किसका नहीं आया अभी भी देखो. मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, 3 इंटू 25 इज 75. 3 into 25 is 75. जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं ध्यान से देखो,
75 को ऐसे फैक्टराइज करना है ताकि -20 आए, -20 लाना है तो आप लिखोगे -15 एंड -5, प्रोडक्ट आना चाहिए 75 और सम आना चाहिए -20। ये स्टेप ठीक है, सबको क्लियर है ये स्टेप? 75 एंड -20 इस वाले कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो इफ यू डिवाइड दिस बाय 3 यू विल गेट -5/3। देखो -20 लाना है दिया, अगर -20 आपको लाना है और यहां पे आपके पास पॉजिटिव नंबर है तो आप कैसे दो नंबर लोगे? ऐसे दो नंबर लोगे ना जिनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आए बट सम माइनस आए, तो माइनस माइनस से प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव आएगा और सम नेगेटिव आएगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव थोड़े ना ले सकते हो आप, है ना? ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। साइन 3 से डिवाइड करा और साइन चेंज कर दिया, फाइनली देयर इज अ रूट। ए से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि जब आप फैक्टराइज करोगे तो आपके पास कुछ ऐसे नंबर आ रहे होंगे, तो रूट तो अल्टीमेटली 2 और 3 ही होंगे ना, है ना? रूट 6 थोड़ी ना होंगे, तो अभी तो हम ये वाले नंबर लिख रहे हैं यहां पे, तो अल्टीमेटली आपको इस 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी आपके पास एक्चुअल रूट आएंगे। Got it, फजान? Everybody क्लियर है आप? और इस पे बेस्ड क्वेश्चन ना बहुत सारे आने वाले हैं, इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे काफी सारे क्वेश्चन पे, तो पहले मेरे को रूट और निकालना सिखाइए जल्दी से। रूट सब क्या आना चाहिए? -x² + 9x + छोटा सा नंबर लेते हैं, लेट्स से 66 = 0। इसको 5 ले लो, बताइए क्या होंगे रूट? बहुत छोटा सा नंबर है, साइन में गलती नहीं करनी है, जो मैं देना चाह रहा हूं गलती वो नहीं करनी है। दोनों मीट, व्हाट आर द रूट्स? बोथ द रूट्स 11 and -5, 11 and 6, -11 and 6। साइन ध्यान से लगाओ, -11 and 6, 11 and -3, इतने सारे आंसर, 11 and -6 भी आ गए का आंसर, -11 6, 11 - 3, 11 6, 11 and -6, 11 and -6, 11 and -6, 11 and -6, बहुत बढ़िया, 11 and -6, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग 11 and -6। देखते हैं एक बार, इस बार यहां पे -1 था गाइस, तो इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर यू विल गेट -66। स्टेप्स देखना ध्यान से, मैं बार बार बोल रहा हूं, पूछ लिया अगर कोई भी स्टेप क्लियर नहीं है तो। -66 क्लियर है? -66 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि +5 आए, तो हम लिखेंगे 11 और -6। एवरीबडी, -66 को ऐसे फैक्टराइज करना है ताकि +5 आए, तो 11 और -6 -1 से डिवाइड करेंगे और फिर साइन चेंज करेंगे, ऑल द स्टेप्स, तो फाइनल आंसर आएगा 11 और -6। एक भी स्टेप मिस नहीं करना है, तो पहले फैक्टराइज किया, ऐसे फैक्टराइज किया ताकि +5 आ जाए, +5 आ गया, फिर -1 से डिवाइड किया और साइन भी चेंज किया, तो सारे स्टेप्स ठीक होने चाहिए आपके। वो भी कर सकते हो, रूट पे चेंजेस नहीं आएंगे तुषार, वो भी कर सकते थे, माइनस से हटा के साइन चेंज कर दो, रूट पे फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल रिमेन सेम, रूट विल नॉट चेंज। चलो तो एक और देखते हैं, फिर क्वेश्चन दूंगा इसके, क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करना है वो देखेंगे। एक और बता दो, -2x² + 15x - 25 = 0, व्हाट आर द रूट्स? ध्यान से मानजी गलत हो गया, टेन एंड फाइव नहीं है, कोफिशिएंट ध्यान से देखो, -5 - 10, ये भी गलत लग रहा है मेरे को प्रणव, 5 and 5/2, कोफिशिएंट नहीं देख रहा ध्यान से, 5 and 5/2, -10 and 5, -5 and 10, देखना अभी भी इतने सारे आंसर आ रहे हैं, -5/2 and -5, ऐसा मत करो तरनदीप, 5 and 5/2, 5 and 2.5, 5 and 2.5, -5 and -2.5, चलो देखते हैं व्हाट आर द रूट्स।
मल्टीप्लाई दीज टू नंबर गाइस, जो लोग अभी अभी आए तरीका देखो, बहुत जल्दी से हो रहा है सारे आंसर। माइनस टू इंटू माइनस 25 का प्रोडक्ट है 50, इन दोनों का प्रोडक्ट है 50, तो आप 50 को ऐसे फैक्टराइज करोगे ताकि प्लस 15 आ जाए, तो ये स्टेप बहुत तेज होना चाहिए। ये हो गया 10 एंड 5, इसमें किसी को दिक्कत? 50 को ऐसे फैक्टराइज करना था कि प्लस 15 आए, तो 10 और 5 लिखोगे ना, माइनस 2 से डिवाइड करना, तो माइनस 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट माइनस 5 एंड माइनस 5 बाय 2। एवरीबडी, माइनस 2 से आपने डिवाइड किया तो आ गया माइनस 5 एंड माइनस 5 बाय 2, साइन चेंज कर देंगे फाइनली, तो ये रूट आ जाएंगे हमारे। क्यों इतना टाइम लग रहा है इसका? 5 एंड 5 बाय 2 इज द करेक्ट आंसर। एवरीबडी नाउ व्हाई दिस आंसर? तो पहले माइनस 2 से डिवाइड करना है, फिर साइन भी चेंज करना है, तो फाइनल आंसर इज 5 एंड 5 बाय 2। लास्ट आंसर सलोनी क्या था? ये था आंसर 11 एंड माइनस 6, ये वाला, ये था आंसर, साइन चेंज कर दिया। अब क्लियर है सबको? मिडिल टर्म का साइन डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम है। मिडिल टर्म का साइन देखो, ये प्लस है और यहां पर भी प्लस है, तो आप खुद सोचो एक बार के दो नंबर को मल्टीप्लाई करके मेरे को प्रोडक्ट भी पॉजिटिव लाना है और सम भी पॉजिटिव लाना है। स्नेहा कैसे आएगा? प्रोडक्ट पॉजिटिव लाने के लिए आपके पास दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। अगर मैं दोनों को नेगेटिव ले लेता तो मेरा सम थोड़ी ना पॉजिटिव आता, फिर तो नेगेटिव आ जाता, तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव लाने हैं। ये थोड़ा सा सोचना है बस, अभी बहुत सारे और एग्जाम्पल होगा तब और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और दू अभी और दू एकाध और दू एग्जाम्पल, ये वाला लास्ट में साइन इसलिए चेंज करते हैं यार क्योंकि अभी आप फैक्टर्स लिख रहे हो ऐसे। अच्छा एक बार इसको नॉर्मल करके देखें, नॉर्मल जैसे बचपन में करते थे, इसको इसी क्वेश्चन को एक बार नॉर्मल लिख के देखें कैसे करते थे, और फिर तुम्हें आई थिंक पता चल जाएगा कि जल्दी से कैसे हो रहा है वो, क्यों साइन चेंज हो रहा है। एक बार नॉर्मल लिख के देखते हैं क्वेश्चन को, मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो आप बचपन में भी तो ऐसे लिखते थे कि माइनस 5 को ऐसे फैक्टराइज करना है ताकि माइनस 6 आ जाए, तो ऐसे लिखते थे। अभी भी ऐसे तो ऐसे लिखते हो तुम, यही लिखोगे स्टेप अगर नॉर्मल करोगे तो। फिर इसमें से x कॉमन लेते थे, इसमें से प्लस 1 कॉमन लेते थे, ये बचपन में करते थे ऐसे, है ना, x माइनस 6 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। एवरीबडी अभी भी वैसे तुम ऐसे ही कर रहे थे अभी इससे पहले। और फाइनल आंसर बताओ क्या लिखोगे? फाइनल आंसर में या तो ये जीरो है या ये जीरो है, तो आप बोलोगे रूट तो 6 और माइनस 1 है ना, है या नहीं है ये बताओ। तो साइन तो यहां पे माइनस था तो प्लस लिखा नहीं लिखा, यहां पे प्लस था तो माइनस लिखा नहीं लिखा। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम जल्दी से करने में ऐसे बोल रहे हैं, हम ऐसे बोल रहे हैं माइनस 6 को ऐसे फैक्टराइज करो ताकि माइनस 5 आ जाए, तो दिख गया कि यार माइनस 6 और 1 लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 6, सम आना चाहिए माइनस 5, दिख गया, 1 से डिवाइड करो यही रहेगा, और साइन चेंज करना तो ये आ गया रूट। साइन इसलिए चेंज किया क्योंकि ये फैक्टर आए हैं अभी वाले, तो साइन चेंज करने में रूट आएंगे फाइनली। एवरीबडी नाउ एनी डाउट एनीवन अभी भी पूछ लिया करो मेरे से। चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आई थिंक जिन्होंने पहले वाली क्लासेस नहीं करी हैं, दे कैन चेक माई प्रीवियस क्लासेस। माई नेम इज लोकेश अग्रवाल, और मेरी क्लासेस डेली हो रही हैं 3 to 4 स्पेशल क्लासेस। तो जो लोग मेरे ग्रुप पे नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप पे, दे कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल ऐड यू इन माई ग्रुप, तो जिसपे हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी भेजूंगा मैं क्लास के बाद। तो अगर आप मेरे ग्रुप पे नहीं हो, यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल सेंड यू द क्वेश्चन। नंबर सिस्टम उस पर करेंगे, थैंक यू तरनदीप। नंबर सिस्टम अभी मैं यूट्यूब पे शुरू करने वाला हूं, कैटलिस्ट वाले ग्रुप पे सब करेंगे। अब क्वाड्रेटिक में जो रूट्स की नेचर होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट पे, नहीं ए पे नहीं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता ही है D इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा रूट निकालने का, वो ये होता है जब रूट फैक्टराइज करके नहीं निकलते हैं तो हम इससे निकालते हैं, इस वाले फॉर्मूले से, पढ़ाइए। हाँ जी आशीष, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक, तो अभी आप थोड़ा सा लेट हो गए। हाँ जी श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला,
ये जो चीज है ना, ये अंदर ब्रैकेट के जो लिखी हुई है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विच इज डी। देखो यहाँ पे यही है ना डी। तो आप मेरे को खुद बताओ, अगर ये टर्म पॉजिटिव होगी, अगर ये टर्म पॉजिटिव होगी तो रूट्स कैसे आएंगे? अंडर रूट के अंदर एक पॉजिटिव टर्म आएगी तो रूट कैसे आएंगे? आ रहे हैं, इसी पे आ रहे हैं। अंडर रूट के अंदर एक फाइव आ गया, कैसी टर्म है? रियल है, इमेजिनरी है? रियल टर्म है, बिल्कुल। तो आप बोलोगे रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। अगर डी जीरो आ गया, अगर डी जीरो आ गया तो ये प्लस माइनस वाली चीज तो खत्म, तो रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। वेरी गुड। बट अगर डी नेगेटिव आ जाए, अंडर रूट के अंदर एक नेगेटिव चीज आ जाए, तो रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। तो आप बोलोगे रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? और इस कॉन्जुगेट मीन्स, कॉन्जुगेट मीन्स अगर एक रूट ए प्लस बी आया है तो दूसरा रूट ए माइनस बी आई होगा, प्लस माइनस लगा होगा, कॉमन पेयर, बिल्कुल। और इसमें ये वाला जो पार्ट है साइन रिवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट, हाँ बिल्कुल, प्लस माइनस हो जाता है यहां पे। तो इस वाले पार्ट को आप दो पार्ट में और ब्रेक कर सकते हो। अभी किसी ने पूछा था इंटीजर कब होंगे, तो इस वाले पार्ट को आप दो पार्ट में और ब्रेक कर सकते हो। अगर ये वाला पार्ट परफेक्ट स्क्वायर है डी, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है, एवरीबॉडी ये ध्यान रखना, अभी मैं पहला क्वेश्चन इस पे बेस देने जा रहा हूं, तो आप बोलोगे रूट्स रियल तो होंगे ही होंगे, लेकिन आप बोलोगे रूट रैशनल होंगे। इंटीजर तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन रैशनल बोल सकते हैं। अंडर रूट के अंदर अगर 25 आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तब तो रूट इरेशनल नहीं होंगे ना, तब तो रैशनल होंगे, बिल्कुल। और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट इरेशनल होंगे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो होंगे इरेशनल। एवरीबडी ये टर्म समझ में आ रही है दोनों? रियल को भी फर्दर क्लासिफाई कर दिया रैशनल और इरेशनल में। तो नेचर जो होगा रूट का वो इस पे डिपेंड करेगा। अब सिर्फ डी निकालना, तो जैसे मैं अगर पहला क्वेश्चन आपसे पूछूं इसका आंसर बताओ क्या होगा? Everybody should get it. इसका आंसर बताओ जल्दी से। पहला पोल आएगा, जो लोग नए आ रहे गाइस, पोल आएगा उसमें मार्क करना है आंसर। 10 सेकंड में पोल आ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, श्योर का ली। मार्क कीजिए सब लोग, पहला पोल आ गया है, माफ कीजिए। आई वॉन्ट टू सी कम से कम 70-80% एक्यूरेसी। अरे ये क्या कर दिया हम लोगों ने? माफ करो सारे लोग। हाँ जी, तो हार्दिक देख सकते हैं आप बाद में भी, अभी करते हैं मौली एक बार और कर लेंगे। अदिति ने सबसे पहले आंसर दिया है, प्रणव रोहिणी, वेरी गुड, मोर देन 10 पीपल गॉट इट करेक्ट, काफी लोगों ने ठीक दिया था आंसर। देखिए फिर से देखते हैं एक बार, रूट्स का अगर आपको नेचर फाइंड आउट करना है, आपको सिर्फ डी निकालना होता है। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आपको इस इक्वेशन को इससे रिलेट करना होता है। ये हमारा बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो अगर हम इस इक्वेशन को इससे रिलेट करें तो बहुत क्लियर है कि हमारा जो a है वो 3 है, b है वो माइनस 12 है, और c है वो 10 है। इस इक्वेशन में आप इन टर्म की वैल्यू डाल दो, b कितना है, b है माइनस 12, a कितना है, a है 3, और c है हमारा 10। तो पहले चेक करते हैं क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। इसकी वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 24, पॉजिटिव तो आ रही है ना, पॉजिटिव तो आ रही है। तो अगर डी पॉजिटिव होता है तो रूट कैसे होते हैं, रियल होते हैं। लेकिन इस पॉजिटिव को भी हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया था कि अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तब तो रैशनल होंगे, बट अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल होंगे। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 24 परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 24 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? कोई 25 परफेक्ट स्क्वायर होता, 24 थोड़ी ना परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट कैसे होंगे, इरेशनल एंड अनइक्वल।
एक लाइन में आंसर मार करना था। तो वाई मोस्ट ऑफ द पीपल मार्क रैशनल, रैशनल तब होंगे जब परफेक्ट स्क्वायर आता, अगर ये 25 आता, 36 आता, परफेक्ट स्क्वायर आता तब रैशनल, नहीं तो सीधा इरेशनल। अब क्लियर है सबको, एवरीबडी? रूट का नेचर आ जाएगा निकालना सबको। अब इसमें ना एक और तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक और तरह के क्वेश्चन आते हैं वो समझते हैं। अगर आप बैंक पीओ दे रहे हो या सीईटी दे रहे हो तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। वो क्या करेगा, वो दो इक्वेशन देगा। मान लो एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं और एक दूसरी इक्वेशन वाई में देगा। और आपसे बोलेगा कि भैया एक्स और वाई में कंपैरिजन करो, इसके रूट में और इसके रूट में कंपैरिजन करो। हाँ जी, रैशनल और अनइक्वल, बिल्कुल सही मौलिक। तो आपके चार ऑप्शन देगा, क्या एक्स वाई से बड़ा है, क्या एक्स वाई से छोटा है, क्या एक्स वाई से ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है। ये वाले पांच क्वेश्चन का सेट आता है पूरा का पूरा, जिन्होंने पेपर दिया है सीईटी वाला उन्होंने देखा होगा पांच क्वेश्चन का सेट आता है, इवन उसमें भी आता है बैंक पीओ वगैरह में। तो ये ध्यान से कर लो, रिलेशन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, रिलेशन कांट बी आइडेंटिफाइड। तो इसमें कैसे करते हैं सीखते हैं। थर्ड है x ग्रेटर देन इक्वल टू y और ये है x लेस देन इक्वल टू y। तो क्या आप बता सकते हो, अगर मैं आपको नहीं बताऊं अभी, क्या आप मेरे को बता सकते हो क्या आंसर होगा इसमें से? एनीवन? फिफ्थ होगा, सेकंड होगा? चलो एक मैं बता दूं फिर करेंगे, एक मैं बता देता हूं, x लेस देन y होगा। What are the roots? निकालने आपको अल्टीमेटली रूट्स ही हैं। इसके रूट्स आ गए -40 को ऐसे फैक्टराइज करना है ताकि -6 आ जाए, -10 और 4, 1 से डिवाइड करके साइन चेंज कर देना, ये आ गए रूट्स। अब इसके रूट निकालते हैं, इसके रूट आ गए -10 और 1 को साइन चेंज करके लिख देंगे 10 और -1। एवरीबडी यहां तक ठीक है? रूट सबको निकालने आ गए जल्दी से, चलो बाद में भी आए। तो अच्छा क्वेश्चन बन गया, देखो इसके रूट ये हैं, इसके रूट ये हैं, एक वैल्यू पकड़ के चलते हैं, ये जो x की वैल्यू है वो y के बराबर है या फिर y से बड़ी है। एक वैल्यू तो y के बराबर है और एक वैल्यू y से बड़ी है, अभी तक तो ये रिलेशन आ रहा है ना, x या तो बराबर है या बड़ा है। लेकिन दूसरे में ये वाली जो वैल्यू है वो y से हो गई छोटी, ये वाली वैल्यू तो हो गई ना y से छोटी। तो अगर मेरा ये वाला रिलेशन ही इंटैक्ट रहता इसमें भी तो मैं आंसर मार्क करता अभी, क्योंकि एक में तो आ रहा है बड़ा लेकिन एक वैल्यू आ रही है छोटी, तो हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि एक्स वाई से बड़ा है या छोटा है। तो आंसर आएगा फिफ्थ। तरंदीप दोबारा देखो, रूट्स निकल गए। एवरीबडी ये चीज सीख लो कैसे करना है। एक वैल्यू पकड़ के कंपेयर करते हैं, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू के बराबर है या उससे बड़ी है। तो अभी आप क्या लिखोगे रिलेशन, अभी तो आप ये लिख दोगे कि एक्स या तो वाई से बड़ा है या बराबर है, है ना। लेकिन यहां पर ये जो -4 है, ये -4 तो छोटा हो गया ना 10 से, तो यहां पर तो रिलेशन ये आ गया मेरा एक्स वाई से छोटा है। तो क्या मैं रिलेशन डेफिनेटली बोल पा रहा हूँ ये है ये है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो जब दो डिफरेंट ऑप्शन आ जाए तो आप बोलोगे आंसर होगा रिलेशन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द रिलेशन, कौन बड़ा है कौन छोटा है नहीं बता सकते। क्लियर है सबको? एवरीबडी एनी डाउट एनीवन? अभी पूछ लो मेरे से, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस पे भी, क्योंकि आते हैं काफी सारे क्वेश्चन ऐसे। देखो एक और देखो, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरी क्लास में, जब तक समझ में आए तब तक पूछते रहा करो, कोई परेशानी नहीं है। जाने दोबारा देखो तो बराबर हो जाएंगे। अगर मान लो मैंने रूट दिया ये और दूसरी इक्वेशन दी मैंने ये, अब बताओ किसमें कंपेयर करोगे, क्या बोलोगे आंसर? ये एक्स है ये वाई है, x is greater than y बोलोगे, x is less than y, x is greater than equal to y, x is less than equal to y, relation cannot be identified. What is the answer?
एवरीबडी शुड गेट इट. b less than y 5 2 b 5 b कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग 5 बोल रहे हैं, इसी में दोनों में कंपटीशन है. सेकंड या फिफ्थ कांट 5 5 5 बादल कह रहे 2 आस्था 5 सीबीडी बी अनामिका 2 वीना 5 स्नेहा 2 मतलब बिल्कुल बराबर 5 और बी बिल्कुल बराबर चल रहे हैं. अभी देखते हैं पोल दूंगा, पोल के लिए क्वेश्चन अलग है, पोल दूंगा. पहले एक बार चेक करते हैं रूट्स क्या है. -24 कैसे फैक्टर था कि -10 आ जाए, तो -12 और 2 ही आ गए. 2 से डिवाइड करना है, साइन भी चेंज करना है, तो रूट आएंगे 6 और -1. रूट में आई थिंक अब किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी निकालने में जल्दी से. 50 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि -15 आ जाए, -10 एंड -5. 1 से डिवाइड करके साइन चेंज करना है, तो रूट आएंगे 10 और 5. यहां तक बताइए क्लियर है सबको. अब एक वैल्यू पकड़ के चलते हैं, अब गलत हो गया ना, तुमने ये वाला ध्यान से नहीं देखा. एक्स की वैल्यू वाई से छोटी है लेकिन ये वाली वैल्यू वाई से बड़ी है, तो पहले में रिलेशन आ गया, सोचने नहीं है कुछ. हमने एक वैल्यू चेक करी, ये तो छोटी है लेकिन ये बड़ी भी तो है, तो क्या आप रिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो, नहीं कर सकते. यहीं पे पता चल गया वाई आंसर इज 2. 4 और 6 क्वेश्चन, 4 और 6 क्यों नहीं, 4 और 6 इसलिए नहीं क्योंकि फिर तो हमारा जो सम आएगा वो प्रोडक्ट जो आएगा वो -24 थोड़ी ना आएगा. तुम लोग रूट निकालने में गलती कर रहे हो. देखो अगर आप -4 और -6 रूट लेते हो तो प्रोडक्ट क्या -24 आएगा भैया, फिर तो +24 हो गया ना. तो हमेशा याद रखो कि अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक रूट नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा. एवरीबडी तुम लोगों ने ये गलती की है, मैं समझ गया. तुम लोगों ने गलती ये की है कि तुमने ये ले लिया, ये रूट नहीं है, रूट ये है, इसी वजह से गलती हुई है. -1 and 5 साइन चेंज होगा, एक्स वाली इक्वेशन के 2 से डिवाइड नहीं किया. हाँ तो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है आपको, सब लोगों को. अब क्लियर है, अब तो क्लियर है ना. गलतियां करो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार नहीं करनी है गलतियां. मेरा जो तकिया कलाम है जिसको मैं बोलता हूं वो यही है कि पहले क्वेश्चन में गलतियां करो, बाद में नहीं होगी. गलतियां करो, क्लास में आप सीखने के लिए आए हो, गलतियां करने आए हो करो खूब सारी, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट सीखो. अब जैसे मैं अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूं, सबका ठीक होना चाहिए. बताओ एवरीबडी शुड गेट इट करेक्ट. उससे वो कंपेयर ही नहीं करना मौली, उसको कंपेयर ही नहीं करना. सोनिका जब एक में ही रिलेशन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो दूसरे को चेक करने की जरूरत क्या है. जब अगर पहले में सेटिस्फाई हो जाता तब हम चेक करेंगे दूसरा, अगर पहले में गड़बड़ है तो दूसरा चेक करने की जरूरत ही क्या है ना, वो ध्यान रखो. इसका आंसर बताइए सारे लोग, एवरीबडी शुड गेट इट करेक्ट. रूट सही निकालना, बार बार बोल रहा हूं रूट सही निकालना. और जो लोग लेट आ रहे गाइस, दे कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, माय नेम इज लोकेश अग्रवाल, यू कैन फॉलो मी सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय प्रीवियस क्लासेस. मैं पोल दूंगा, उसमें मार्क करना आंसर, पोल दूंगा, पहले कर लो एक बार. रूट ध्यान से निकालना है, बार बार समझा रहा हूं, रूट में गलती नहीं करनी है, साइन ध्यान से देखना है. दे दू पोल, नहीं हुआ है तो बोलो. 2 मिनट सोलो नहीं, 2 मिनट थोड़ी ना लगेंगे इसमें. करो आराम से करो, अच्छा आराम से करो.
फैज अभी वो दूंगा, पोल दूंगा, उसमें मार्क कर देना फजान। हेलो अभिषेक, हाँ जी प्रिया, नया शुरू हो रहा है कोर्स, शुरू हो रहा है गाइस, जो लोग सीरियस हैं कैट के लिए, ज्योमेट्री शुरू हो रहा है, इसको मिस मत करना। अगर आप सीरियस हो ये जरूर ज्वाइन कर लेना, हर रोज 6:30 से 8:30 क्लास हो रही है, और एक एलआरडीआई का कोर्स भी शुरू हो रहा है मेरा, सबसे इंपॉर्टेंट। तो जिन लोगों ने अभी नहीं लिया है प्लस कोर्स, दे कैन टेक इट, माय कोड इज लोकेश अग्रवाल, यू कैन यूज इट। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। आई जनरली डू नॉट प्रमोट माई सेल्फ, बट अगर आप सीरियस हो तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन। चलिए मार्क कीजिए आंसर, एवरीबडी शुड गेट इट करेक्ट दिस टाइम, काफी टाइम मिल गया आप लोगों को, पांचों आंसर आए लेकिन अभी भी, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर गेटिंग करेक्ट नाउ, बहुत बढ़िया। Very good. Let's check how many people got it both the correct answer. काफी लोग बचे हैं, नाइफ का ठीक हो गया है, दीक्षा, अखिलेश टॉप थ्री हो गए हैं, दिशा, श्रवणी, विदित, वेरी गुड। और धीरे धीरे अब ये सबके ठीक होने लगेंगे धीरे धीरे। इसका चेक करते हैं एक बार आंसर, जिन लोगों का गलत हुआ है वाय कहां गलती हुई है। 7x² + 17x - 12। तो तरनदीप, जो तुम बोल रहे थे कि अगर बड़े नंबर आएंगे तो कैसे फैक्टराइज करना है, अगर देखो क्लिक नहीं हो रहा, अगर जल्दी से क्लिक नहीं हो रहा, आप फैक्टराइज कर लिया करो, 84 को ऐसे फैक्टराइज करो ताकि 17 आ जाए, तो ब्रेक करके देखता है। मान लो हमने 4 × 21 किया, अगर 4 × 21 ही दिख गया तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 4 और 21 का डिफरेंस 17 है, तो आपको यहीं पर दिख जाना चाहिए था कि -84 लाने के लिए और +17 लाने के लिए मेरे को रूट लेने पड़ेंगे 21 और -4। स्टेप्स दिख रहे हैं सबको गाइस, -84 भी लाना है, +17 लाना है, तो 21 को पॉजिटिव लेना और -4 को नेगेटिव लेना, 7 से डिवाइड कर देना और साइन चेंज कर देना, ये आ गया आपके रूट एक्स की वैल्यू। जल्दी से अब वाई की वैल्यू देखते हैं एक बार, 4y² - 17y + 15। अब कुछ लोगों ने 20 और 3 भी लिया होंगे, मैं श्योर हूं, किस किसने लिया 20 और 3 बता दो, शर्माओ मत, 20 और 3 किस किसने लिया है, 20 और 3 लिया ना काफी लोगों ने जिन्होंने गलती की है। लेकिन मैं देखो एक चीज समझा रहा हूं कि अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों रूट सेम साइन के होंगे, तो दोनों रूट या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों रूट नेगेटिव होंगे, तभी तो प्लस आएगा। आप -20 और 3 नहीं ले सकते हो, ये गलत है, क्योंकि फिर तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया आपका। आप ये तो सेटिस्फाई कर दिया आपने, लेकिन ये थोड़ी ना सेटिस्फाई हुआ, तो ये गलत है, ये मत लेना, -20 और 3 नहीं लेने हैं, मेरी समझो। तो काफी देर हो गई, काफी सारे एग्जांपल हो गए, तो आपको लेने थे -12 और -5। अर्पिता गलती दिखी ना, तो अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों रूट सेम साइन के होंगे, 4 से डिवाइड करना और साइन चेंज करना, ये है रूट्स। Everybody. तो फिर से एक वैल्यू लेके चेक करो, -3 तो छोटा है, तो अभी तो मैं बोल पा रहा हूं एक्स वाई से छोटा है, -3 तो दोनों से छोटा है, लेकिन 4/7 को चेक करते हैं, 4/7 इससे तो छोटा है और 4/7 5/4 से भी छोटा है, 4/7 3 से भी छोटा है और 5/4 से भी छोटा है। तो मैंने आपको आंसर में क्या मार्क किया था, मैंने ई मार्क किया था क्या, ओहो अच्छा साइन भी तो चेंज होंगे, नहीं साइन तो यही है, मैंने ई मार्क करा था क्या, ओहो इसी वजह से तुम लोगों ने गलत किया है। अच्छा मैंने 4/3 ले लिया था यहाँ पे, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, माय मिस्टेक। जो वैल्यू है वो दोनों ही छोटी हैं, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन, जो ज्यादातर लोगों ने मार्क किया था, बिल्कुल बिल्कुल।
दोनों ही चोटियां पोल पे मार्क करते समय मैंने गलत मार्क किया है, बट अब क्लियर है ना लॉजिक, लॉजिक से होना चाहिए, दोनों छोटी हैं तो मतलब डिटरमिन्ड आंसर एक्स वाई से छोटा ही है दोनों केस में, बिल्कुल सही, माय मिस्टेक, एग्रीड। तो अगला देखते हैं, इसका बताओ जल्दी से, हाँ जी इसने अभी तक तो है, एवरीबडी शुड गेट इट नाउ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, बड़ी वैल्यूज है, सही आना चाहिए। तेजस का हो गया है, नीट का हो गया है, जैन तभी परेशान है, करीमा रूट निकालने हैं बस और फिर कंपैरिजन करना है, रूट ढंग से निकालो, डू पॉल इसके इसके अगर फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं तो बता दूं 315 के ऐसे फैक्टर ताकि 36 आ जाए, 2115, चलो और बोलो और बोलो, अब तो कर दो, चलिए इस बार सही दे रहा हूं, इस बार गलती नहीं होगी, दे दूं आप तो, राहुल करेंड हो, चलो मार्क कीजिए, इस बार सही मार्क किया मैंने, तुम लोग गलत कर रहे हो, इस बार मार्क मैंने सही किया है, रोगन के रोसी मैट का हुआ था मैं, अकेले जो लीशे बच्चे हैं जिन्होंने तीनों टिक किए हैं, शिवानी आया था पोल, हाँ हर बार ई थोड़ी ना होगा, सही बात है, 7x² + 31x + 30 = 0, लुक एट द फैक्टर्स, 210 को ऐसे फैक्टराइज करना है ताकि 31 आ जाए, तो 210 के फैक्टर 21 और 10 दिख गए थे, 210 के ऐसे फैक्टर ताकि 31 आ जाए, 7 से डिवाइड कर देना और साइन जरूर चेंज कर देना, तो ये आ गए रूट्स बहुत जल्दी से। अगली इक्वेशन के रूट्स देखते हैं, 5y² + 36y + 63 = 0, तो 315 के फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए थे, वो थे 21 और 15, ये थोड़ा टाइम ले सकता था आपका, तो आपने इसको साइड में ले लिया, रो ये है 5 × 63, अगर अभी भी नहीं क्लिक हुआ 5 और 63 तो नहीं है, तो 5 × 3 × 21 सोच सकते थे, ऐसे सोच लिया करो, तो अब दिख जाएगा 21 और 15, अभी भी नहीं देखे तो फर्दर और फैक्टराइज कर लेना इसको, 5 से डिवाइड कर देना
और साइन चेंज कर देना। यहां तक बताओ, ये आ गया सबका। अब कंपेयर करते हैं, अब कंपेयर करते हैं, एक एक वैल्यू से कंपेयर करते हैं। माइनस थ्री जो है ये माइनस 4.2 है, तो माइनस थ्री माइनस 4.2 से बड़ा ही है और माइनस थ्री के बराबर है। तो अभी तक क्या लिख पा रहे हैं हम, अभी तक हम बोल पा रहे हैं कि x जो है वो y से बड़ा है या उसके बराबर है। अभी तक ये बोल पा रहे हैं x y से बड़ा है या y के बराबर है। यहां तक ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब इसको चेक करते हैं, माइनस 1.4 के आसपास है, तो माइनस 1.4 तो माइनस 4.2 से बड़ा है और माइनस 1.4 माइनस 3 से भी बड़ा है, तो डेफिनेटली x y से बड़ा है, बड़ा है ना। तो x अगर y से बड़ा है या x y के बराबर है, तो आंसर क्या मार्क करने जा रहे हैं हम लोग मार्क करने जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, x या तो y से बड़ा है या x y के बराबर भी हो सकता है। एवरीबडी नाउ, एक वैल्यू से चेक किया फिर दूसरी वैल्यू से चेक किया, दोनों में कंपैरिजन हो रहा था इस बार। रमनीत बताओ क्या डाउट है, विच पार्ट इज नॉट क्लियर, जल्दी से पूछो। जिनको क्लियर है गिव मी थम्स अप गाइस, जिनको नहीं है पूछो जल्दी से, फिर अगला पार्ट करते हैं हम। जिनको नहीं है जल्दी से बोलो, इमोजी मत बनाओ, जिनको नहीं है यहां पे पूछो विच पार्ट इज नॉट क्लियर। अब क्लियर है श्रुति, कंपैरिजन दोबारा देखो, पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो माइनस थ्री ये जो वैल्यू है एक्स की ये वाली वैल्यू पिक की हमने, ये वाली जो वैल्यू है वो डेफिनेटली इससे बड़ी है, ये तो पता है तुम्हें, माइनस थ्री माइनस 4.2 से बड़ा होता है। तो एक्स की वैल्यू इससे बड़ी है या एक्स की वैल्यू इसके बराबर है, माइनस थ्री और माइनस थ्री तो बराबर ही है। तो यहां तक अभी क्या कंपेरिजन हुआ, अभी तक कंपेरिजन हुआ दैट एक्स इज ईदर ग्रेटर देन वाई और एक्स इज ईदर इक्वल टू वाई, तो ऐसे लिख लिया आपने, ऐसे लिख लिया, यहां से कंपेयर किया, ये माइनस 1.4 है, माइनस 1.4 या तो माइनस 4.2 से बड़ा ही है, बड़ा ही है ना माइनस 1.4, तो माइनस 1.4 माइनस 3 से भी बड़ा है, तो x डेफिनेटली y से बड़ा है। तो दोनों ही केस में x या तो y से बड़ा आ रहा है या उसके बराबर आ रहा है, तो कंपैरिजन हो गया ना। अगर ये छोटा था तो हम e मार्क करते हैं, अगर दोनों ही केस में बड़ा आ रहा है तो डेफिनेटली द आंसर इज डिटरमिंड एंड द आंसर विल बी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ये मैंने बता दिया था, मेरे को पता था आप इसमें टाइम लोगे, इसलिए मैंने खुद ही बता दिया था ये 15 और 21 होंगे, है ना, अदरवाइज फैक्टराइज कर लिया करो। अब क्लियर है ना, बड़ा नंबर होगा तो ऐसे लिख के कर लेना। चले आगे, आगे चले, अगला कंसेप्ट सीखे, अगला सीखते हैं, नेक्स्ट पार्ट। अभी मैंने आपको समझाया था कि ये जो इक्वेशन होती है इसको आप लिख सकते हो ऐसे, अगर मैं a से डिवाइड कर दूं इसको तो ध्यान से देखना, कैसे लिख सकते हो ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई इंटू एक्स प्लस सी बाई इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या होता है माइनस बी बाई, क्या होता है सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। कभी आपने इसको याद किया हुआ है, कभी सोचा है ऐसे आता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखते हैं इसको। तो अगर आपके पास कभी रूट है, मान लो किसी ने बोला इस इक्वेशन के रूट 3 और 7 हैं, तो आप इक्वेशन बना सकते हो जल्दी से, अब तो बना सकते हो ना। अगर किसी इक्वेशन के रूट 3 और 7 है तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट 10 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, ये आएगी इक्वेशन, इसके अलावा कोई इक्वेशन नहीं आ सकती। एवरीबडी अगर रूट गिवन होंगे तो इक्वेशन बना लेंगे इस वाले फॉर्मूले से, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। ये इस फॉर्म में आ जाती है दिशा, दीक्षा। तो इनका रूट का सम क्या हो गया 10, तो
तो यहाँ पे 10 डाल देना और प्रोडक्ट हो गया 21, तो आप लिखोगे x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। अगर रूट 5 और का साइन नेगेटिव होगा, यहां पे नेगेटिव है ना बाहर, तो अब प्लस होगा। अगर रूट 5 और 8 है तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 इक्वल टू 0, है ना। तो इस पे बेस भी क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 इक्वल टू 0। तो इस पे बेस कैट में जो क्वेश्चन है मैं डायरेक्टली वो तो मैं करा रहा हूं, अब देखने कितना आसान हो जाएगा। इप्सिता लुक एट द क्वेश्चन नाउ, कैसे करोगे इसको, ये आया हुआ क्वेश्चन है एज इट इज कैट में। हर एग्जाम में दिखेगा तुम्हें ये ऐसा क्वेश्चन। इसको भी हम बहुत तेज करेंगे फटाफट से एक लाइन में। विश यू एंड फोर अदर्स इज शोइंग अ कंफ्यूजन इमोजी। अभी एक लाइन में करेंगे, चिंता नहीं है। पहला क्वेश्चन मैं हमेशा बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा अगला आना चाहिए। जदू करिए मार्क, अरे दिशा दे दिया मैंने, वेरी गुड 68% पीपल आर गेटिंग करेक्ट, बहुत बढ़िया। जिनको कंफ्यूजन है जस्ट वेट आई विल टेल यू। स्नेहा ऊपर भाग गया तो थर्ड पे, दीक्षा अखिलेश रितु लीशा बहुत बढ़िया, गुड परफॉर्मेंस। लुक एट हियर, देखो इनको कैसे करते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। गिरधर ने जो रूट निकाले वो क्या निकाले, 5 और माइनस 24। तो गिरधर ने जो इक्वेशन रीड करी होगी, अगर आपको रूट पता है तो अभी मैंने सिखाया कि इक्वेशन कैसे बनानी है, आपको इक्वेशन बनानी है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, इनका सम कितना है माइनस 19 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है माइनस 120 इक्वल टू 0, ऐसे लिख देना। यानी कि गिरधर ने जो इक्वेशन पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 120 इक्वल टू 0। ये बताओ पहले स्टेप की क्लियर है, गिरधर ने इक्वेशन ये पढ़ी, उसने गलत क्या पढ़ लिया था, उसने कोफिशियंट ऑफ x गलत पढ़ा था, तो उसने ये वाला पार्ट गलत पढ़ा था, बट ये तो ठीक ही पढ़ा होगा, है ना। एक्चुअल इक्वेशन में ये नहीं था बट ये तो था। अब दूसरा बंदे को देखते हैं, हरीश को देखते हैं। हरीश ने जो रूट बनाए वो निकाले माइनस 10 और 3, तो इसने जो इक्वेशन रीड करी होगी वो ये करी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट विच इज माइनस 7 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 एवरीबडी। तो इसने जो इक्वेशन रीड करी वो ये करी, इसने गलत क्या पढ़ लिया था, इसने गलत पढ़ लिया था कांस्टेंट, बट इसने सही पढ़ा था कोफिशिएंट। यानी कि जो आपकी एक्चुअल इक्वेशन आ गई वो फटाफट से ये आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 इक्वल टू 0 एवरीबडी। ये स्टेप लिखना था आपको,
इसमें ये ठीक है, इसमें ये ठीक है, तो एक्चुअल इक्वेशन ये आ गई ना, अगर एक्चुअल इक्वेशन ये है तो इसके रूट क्या आ गए, इसके रूट तो मैं निकालने आती है, इसके रूट आ गए -15 and 8, ये आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन अब कभी भी आएगा तो आपको ये सोच लेना है कि अगर कोफिशियंट एक्स गलत पड़ा है मतलब प्रोडक्ट ठीक पड़ा है, और अगर कॉन्स्टेंट टर्म गलत पड़ी है मतलब सम ठीक पड़ा है, तो ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। गिव मी थम्स अप इफ इट इज क्लियर। यश, विच पार्ट इज नॉट क्लियर? अभी आए हो तुम? एवरीबडी वेरी गुड। तो गिरधर ने इक्वेशन ये पढ़ी, x² + 19x - 120, इसमें ये ठीक था ये गलत था। हरीश ने ये पढ़ी इक्वेशन, इसमें ये सही है ये गलत है, तो सही इक्वेशन लिख लो। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x² है मानचे, a x का कोफिशिएंट नहीं है, a x² का कोफिशिएंट है। हाउ इट इज +7, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना साहिल, तुम भी लेट आयो। इक्वेशन का जो बनती है वो इससे बनती है, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखते हैं। तो जब यहां पे माइनस है और यहां पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब करो, ये सबका सही होना चाहिए अब। हाँ जी, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, ये याद रखो, ये सबका ठीक होना चाहिए, बहुत सही। यस, बिकॉज यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो अब आप पहली वाली क्लासेस देख लेना मेरी, तो यू विल फाइंड इट प्लेंटी ऑफ क्लासेस आई हैव ऑलरेडी टेकन इट। x² ही होता है मंजू, वो हिमांची x² का कोफिशिएंट ही होता है a यहां पे। शैलेंद्र का आगे आंसर देखो, ऐसे आना चाहिए सबका, एवरीबडी शुड गेट इट। डन, सौरभ कर जल्दी, सलोनी करो जल्दी करो। करो मार्क, इस बार ज्यादा लोगों का ठीक होना चाहिए था, सबकी गलती हो रही है। साइन ध्यान से लगाने हैं, अभी भी कुछ लोग साइन गलत लगा रहे हैं। दीक्षा, लीशा एंड अखिलेश, कौशिक, राहुल, वेरी गुड, नामिका। देखिए, देखते हैं फिर से, इन दोनों का सम बताओ जल्दी से, इन दोनों का सम क्या है, 7 है ना, तो अब तुम एक स्टेप यहीं पे कम करना शुरू करो, ऐसे लिखो x² माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, या भाई गिरधर की इक्वेशन जिसमें ये गलत है ये ठीक है, हरीश की इक्वेशन, या भाई हरीश ने इक्वेशन ये बनाई होगी, x² - 17x - 84 = 0, उसने ये ठीक पढ़ा ये गलत पढ़ा, यानी कि एक्चुअल इक्वेशन थी हमारी ये x² - 17x - 60, और मैं इसीलिए आपको देखो ऑप्शन बी जो दिए जाते हैं वो सोच के दिए जाते हैं, काफी लोगों ने ये भी मार्क किया और ये भी मार्क किया, क्योंकि फिर से तुम रूट 12 और 5 ही ले रहे हो, तुम 12 और 5 रूट ले रहे हो जो गलत है, मैं बार बार समझा रहा हूं, बिल्कुल साइन यही होगा x² - 17x - 60 = 0, गलत हो गए, वो नहीं करना, देखो ध्यान से लेना, तो -60 के ऐसे फैक्टर था कि -17 है, क्या 12 और 5 से आएगा, नहीं आएगा ना, -17 आएगा -20 और 3 से, साइन गलत मत लगाओ,
वन से डिवाइड करके साइन चेंज कर देना, तो रूट क्या थे, रूट थे 200 माइनस 3, 200 माइनस 3 आंसर आएगा डी, ना कि ये और ये। सब चारों ऑप्शन मार्क हुए तुम्हारे, तुम्हें चारों ऑप्शन मार्क किए हैं। अब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती कर रहे हो लेकिन गलतियों से सीखो, गलतियों से सीखो, बाद में गलतियां नहीं करनी है। गिव मी अ थम्स अप, इट इज क्लियर टू एवरीवन, एनी डाउट अभी पूछ लो, पूछा करो, ऐसे मत कंफ्यूजन वाली इमोजी मत बनाओ, पूछो जिनको नहीं आ रहा, उससे नहीं पता चलता मेरे को। अमर क्या दिक्कत है बता, वाई नॉट -20 और 3, वाई नॉट -20 और 3 मिस्टर पक्के, साइन भी चेंज होते हैं बाद में, तुम लेट आए हो ना इसलिए तुम्हें नहीं पता चल रहा, रूट्स ये हैं। शैलेंद्र जल्दी करके फायदा नहीं हुआ ना, जल्दी करके फायदा नहीं हुआ ना, गलत हो रहे हैं सारे, तो रूट ये होंगे। चंडीगढ़ जी पक्के, चंडीगढ़ तो साइन चेंज होते हैं क्योंकि फैक्टर्स -20 और 3 हैं, तो साइन जरूर चेंज करना बाद में। ये सही था, एक और करनी है चीज या आज के लिए इतना काफी है, एक और कराऊं या काफी है आज के लिए? कराऊं, मैं तो कराता रहूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और करते हैं, हाँ जी स्पेशल क्लासेस हो रही है मौली, एवरीडे 3 to 4, एवरीडे 3 to 4 हो रही है मेरी क्लासेस, स्टार्ट फॉलोइंग मी सो दैट आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। माय नेम इज लोकेश अग्रवाल, आप फॉलो कर लो, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सारी क्लासेस की। कल भी ऐसी का कॉन्टिन्यूशन। चलो इसमें एक चीज और सिखाता हूं तुम्हें, अगर कोई ऐसे बोले, चलो एक आसान वाली चीज सिखाता हूं, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये तो आते होंगे तुम्हें, इसकी वैल्यू बता सकते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट टर्म, ये भी कॉमनली आज क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक के। इसको देखो कैसे करते हैं, एक सिखाता हूं फिर करना। इसमें ना पहली टर्म छुपा लिया करो, हाँ जी बिल्कुल, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो देखो, ये इनफाइनाइट तक जा रही है सीरीज, तो कहने से इसकी वैल्यू, ये वाली जो टर्म है ये भी वही से फिर से वापस से एक्स बन गई, √12 + √12 टिल इनफाइनाइट, तो कहने से ये वाली टर्म वापस से एक्स है, तो इसको ऐसे लिख लिया करो। अब तुम्हें इतना भी नहीं करना पड़ेगा, इसका भी शॉर्टकट बताऊंगा अभी, तो अगर तुमने कर लिया अच्छी बात है, लेकिन जस्ट वेट एंड वॉच, आई विल गिव यू द शॉर्टकट। तो 12 प्लस एक्स लिख सकते हो इसको, क्योंकि ये वापस से एक्स बन गया टर्म, √12 + √12 + √12। नहीं नहीं सुधांशु, डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है, लुक एट हियर, स्क्वायर कर दो, तो x² - x - 12 = 0 आ गया। दो फैक्टर आए इसके, -4 और 3, साइन जरूर चेंज कर देना, 4 और -3। अब ऑप्शन ऐसे होंगे, ऑप्शन होंगे 4 - 3, 4 और -3, या कुछ और 2, क्या मार्क करोगे? दो वैल्यू आई आपके पास 4 और -3 एक्स की, तो क्या ये वाला आंसर मार्क करोगे, ये मार्क करोगे, 3 मार्क करोगे, थर्ड मार्क करोगे, 1 मार्क करोगे, फोर्थ मार्क करोगे, कौन है सी। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं, फिर तुम्हें शायद रियलाइज हो जाएगा। अगर x √9 है तो x की वैल्यू क्या है, 3 है या +-3 है, सिर्फ दो ही ऑप्शन है। अगर x √9 है तो x की वैल्यू क्या है, b या a? नहीं, देखो इसीलिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, देर आर टू डिफरेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट एंड दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट, इट सीम्स टू बी सेम बट इट इज नॉट। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गाइस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट आते हैं, तो यहां पे तो आप x की वैल्यू +-3 बोलोगे,
यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है, तो अगर एक लीनियर इक्वेशन होगी तो उसकी कभी भी दो वैल्यू नहीं आएंगी, और हमेशा अंडर रूट के अंदर जो हम वैल्यू लेते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं। और वैसे भी ये लीनियर इक्वेशन है तो इसके आंसर कभी भी दो नहीं आएंगे, इसके आंसर हमेशा एक ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, ये क्वाड्रेटिक है इसलिए दो आंसर, ये लीनियर है इसलिए इसका एक ही आंसर आएगा हमेशा। बिल्कुल हर बार आते हैं क्वेश्चन, तो आज के बाद इसके आंसर कभी ये नहीं मार्क करना, ये कभी नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव है, तो सारे पॉजिटिव ही तो होंगे, कभी इसकी वैल्यू -3 हो सकती है, नहीं। तो आप सिर्फ क्या मार्क करने जा रहे हो, +4, ना कि ये वाला आंसर। क्लियर है? अब इसका शॉर्टकट देखो, इतना तो नॉर्मल कर लेते हो ना तुम, लेकिन इसका शॉर्टकट देखो, इसका शॉर्टकट क्या होता है, अगर इसके फैक्टर्स, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं फिर से, बिल्कुल राइट, अगर इसके फैक्टर्स कॉन्जिकेटिव नंबर हैं, 12 के फैक्टर्स 4 × 3 लिख सकते हो, क्या ये नंबर दो कॉन्जिकेटिव फैक्टर में ब्रेक हो सकता है? हो सकता है। तो हमेशा याद रखो, अगर बीच में प्लस का साइन है तो आंसर जो होगा वो हमेशा बड़ी वाली टर्म होगा, आंसर जो होगा वो हमेशा कौन सी टर्म होगा इन दोनों में से? बड़ी वाली, खत्म। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, सुनना ध्यान से, अब तुम्हें सॉल्व ही नहीं करना है क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है कौन बताएगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, तुम स्मार्ट हो, समझ जाते हो। अगर हम नॉर्मली करें, अगर हम नॉर्मली करें तो देखो आप आंसर क्या था, 12 - x है ना ये, देखो जरा खुद से देखो, अगर ये 12 - x है, इसको ओपन करोगे तो ये आता, तो इसको जब हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो इसकी भी दो वैल्यू आ रही है, 4 और -3, लेकिन जो आंसर होगा वो होगा -4 और 3, तो कौन सा लोगे इस बार? इस बार लोगे +3। तो जब भी नेगेटिव है तो आंसर छोटा वाला टर्म है, जब भी पॉजिटिव है तो आंसर बड़ा वाला टर्म है, सॉल्व मत करना ऐसे क्वेश्चन। एवरीबडी नाउ याद रहेगा ये, अगर कोई ऐसे बोले अब सॉल्व थोड़ी ना करोगे अब, अगर मैं ऐसे बोलूंगा क्वेश्चन, 1 सेकंड का क्वेश्चन है या नहीं है? हाँ जी, कॉन्जिकेटिव नहीं है फिर नॉर्मल करना करंदी, फिर डायरेक्ट मत लिखना, अगर कॉन्जिकेटिव में ब्रेक ना हो फिर डायरेक्ट मत लिखना। व्हाट इज द आंसर, सॉल्व करोगे अब? नहीं करोगे ना, अब तो ऐसे ही बोल दोगे आंसर, 30 जो होता है वो 6 × 5 है, और क्योंकि बीच में नेगेटिव है तो आंसर छोटी वाली टर्म होगा। वेरी गुड, तो आंसर आ गया 5। ऐसे हो जाते हैं क्वेश्चन। अब अगर कोई बोले इसका आंसर क्या है, 42 + 42 + 42, नहीं, मैं फैजान क्या बोल रहा हूं, मैं फैजान यही तो बोल रहा हूं, अगर कोई टर्म दो कॉन्सिक्यूटिव में ब्रेक हो रही है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं, फिर आपको वैसे ही करना पड़ेगा। इसका आंसर हो गया 6 × 7, आंसर होगा बड़ी वाली टर्म, आंसर हो गया 7। तो ये सिर्फ कब एप्लीकेबल है, जब टर्म दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर में ब्रेक हो रही हो तभी एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है, फिर आपको वैसे ही करना पड़ेगा। नॉर्मली नॉर्मल करना तो आता ही है, लेकिन अगर दिख जाता है फिर हम क्यों करेंगे, फिर तुम डायरेक्टली कर लेंगे ना यार, बात तो उसकी हो रही है। गॉट इट? तो चलो एक और कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया जल्दी से, अब हमें सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर यहीं से कंटिन्यू चीजें करने वाले हैं, कल 3 to 4। तो चलो, मेरे ग्रुप पे नहीं है मेरे को व्हाट्सएप कर देना, आई एड यू इन माय ग्रुप, आई विल सेंड सम प्रैक्टिस क्वेश्चन एज वेल, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, आई विल सेंड सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलो बाय बाय गाइस, सी यू टुमारो।